बने हुए हो, मैं अमदीप सिंह थोड़ा सारे का स्वागत करता। तो अज किसान जथेबंदियां ने लखे नूं स्टेज के उत्ते आउण दी जिहड़ी गलबात उहदे उत्ते मोहर लगा दित्ती है। तो साडे नाल डॉक्टर दर्शनपाल जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां। डॉक्टर साहब, किन्हां दे वल्लों यह समझौता, किन्हां दे वल्लों सब तो पहलां दस्सिओ कि किन्हां दे वल्लों करवाया गया? किन्हां वल्लों नहीं, देखो दोनों पासे ही विचार सीगे वी इस अंतर विरोध नूं दूर कीता जावे। उहदे विच बहुत सारे कलाकार, बहुत जिद्दू कनवर गरेवाल ते होर टोनी हुणी कबड्डी वाले होर बड़े जिहड़े कलाकार सी उह लगे हुए सी, कई धार्मिक शिक्षकता लगियां हुईयां सी। सो अल्टीमेटली साडियां 32 जथेबंदियां दे विच डिस्कशन हुई, साडी 32 जथेबंदियां ने 3 मैंबरी कमेटी बनाती जिहदे च मैं भी सी। 3 मैंबरी कमेटी ने फाइनली अज इस ते विचार लै के ते फैसला कर लिया। 3 मैंबरी कमेटी ने भी आपां लखे दे नाल जिहड़ा रिलेशनशिप है जिवें पहलां सी उहनूं उवें ही मेनटेन करांगे, उहनूं उवें ही अग्गे वधावांगे। डॉक्टर साहब, लखे दा जिहड़ा अधिकार खेत्र होवेगा उह किन्ना कु होवेगा, 32 दे विच शामिल कीता जावेगा जदों फैसले लैणे आ तां लखे तों पुछिआ जावेगा, इह किवें दा होवेगा सर? तां 32 दी नहीं, 32 दा मोर्चा तां है, जिवें 32 दे नाल सपोर्टिव फोर्स ने जिहड़ियां व्यक्ति ने जिवें बाकी जिवें पहलां कर रहे सी सपोर्टिव फोर्स दे तौर ते उवें ही करनगे उह, क्योंकि इह 32 जथेबंदियां तां किसानां दीआं जथेबंदियां ने। किसानां दीआं जथेबंदियां 32 ने, उहदे तों बाहर बहुत सारियां विद्यार्थी जथेबंदियां, बुद्धिजीवी ने जिते धार्मिक संस्थावां इहदी सपोर्ट, उवें लखे दी जिहड़ी नौजवानां दी संस्था कह लो, आजाद नौजवानों की एक संस्था, वो भी यदि सपोर्ट से रहो। कोई दिन निर्धारित किया गया कि लखे इस दिन स्टेज के उत्ते बुलाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, उस तो भाषण उत्ते दवाया जाएगा? नहीं नहीं, हले तो देखो उस किस्म का लिंक जो बनना वाइटल लिंक, क्योंकि उत्ते केस ने हले अंडरग्राउंड कोई उस किस्म का जिन्हों कह लो भी ईजली राबता बना भी। इस किसान आगुओं से भी ने लखे उत्ते खतरा क्यों ज़्यादा मंडरा रहा कि अंडरग्राउंड है? जिहड़े किसान आगुओं के केस ने होर तरह के ने, किसान आगू इत्थे मोर्चे विच बैठे ने ते बहुत सारे लोगों के उत्ते केस जिहड़े हुंदे ने दूजी तरह के हुंदे ने, उन्होंने फड़ के अंदर उन्होंने जमानता भी हुई ने। सो डिफरेंट किस नेचर के केस ने, इस करके उन्होंने ज़्यादा खतरा। अच्छा, लखा जेकर अंदोलन के आता है तो किसान जथेबंदी उसकी हमायत में खड़नगियां, जेकर पुलिस प्रशासन उन्हें फड़न वास्ते किसी तरह दबाव पाउंदा जां छापेमारी करदा? क्यों नहीं, मैनूं लगदा डेमोक्रेटिक राइट के तौर पर हरेक जिहड़ी इस किस्म का राइट बनता, किसान जथेबंदियां जरूर खड़नगियां। क्यों कुछ आगू यह गल कहते नजर आए हैं कि लखे नूं पहलां स्टेज के उत्ते माफ़ी मंगवाई जाएगी तो स्टेज के उत्ते बोलन दिता जाएगा, चढ़ाया जाएगा, तुसी इस बारे की सोच रखते हो? नहीं, जो 3 मैंबरी कमेटी नूं साडी नूं राइट दित्ते सी उस राइट के मुताबिक असीं उह गल नूं फैसला कर लिया। हुण इहदे तों अगे नहीं, असीं अपने वल्लों जो फैसला सुना तां इहतों अगे कोई माफ़ी मंगण वाली कोई गल नहीं है, जे कोई गल होगी तां उहदे जवाब दे असीं हां। जानी कि माफ़ी नहीं मंगवाई जाऊगी, क्योंकि एक भी सवाल उठता है कि जेकर लखे तो माफ़ी मंगवाई जानी है तो वो लोगों भी माफ़ी मंगन जिहड़े लखे के खिलाफ बोले ने, जिहड़े लखे के सपोर्टर ने जिहियां गल्लां करदे नजर आउंदे ने। नहीं, मैनूं लगदा इस डिस्कशन च नहीं मैं पैना चाहुंदा, लेकिन साडी जो जिम्मेवारी लगी सी, साडी इस गल की तसली है कि जो गलबात हुई है इहदे दौरान साडे रिश्ते ने जिहड़े वो ठीक हो जाने चाहीदे ने, उहदा असीं फैसला कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी उहदे ते मोहर लाती। सर, आखिरी सवाल है कि तुहाडी सीधे तौर पर लखे नाल कोई गलबात हुई होवे कि कदों उन्हें दस्सिया होवे कि हाँ इस दिन वो लखा इस अंदोलन दे विच वापसी कर सकता है, स्टेज दे उते आ सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं हुई, मेरी नहीं हो सकी, सीधी गल नहीं हो सकी, इनडायरेक्टली हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, तां गलबात कीती है डॉक्टर दर्शनपाल जी नाल। तां अज किसान जथेबंदियां ने इह गल उते मोहर लगा दित्ती है कि लखा इस अंदोलन दे विच वापसी करेगा। वापसी किस दिन हुंदी है, ये गल हजे निर्धारित नहीं हुई, क्योंकि ये लखे दे उत्ते गल रख दित्ती गई है कि लखा आप निर्धारित करे कि वह जिस दिन आ के स्टेज दे उत्ते बोलना चाहुंदा है वह बोल सकदा है। बने रहो KTV दे नाल, मैं अमदीप सिंह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।